रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने। मत समझो हमने बुला दिया, मत समझो हमने बुला दिया, ये मिट्टी तुमको प्यारी थी, ये मिट्टी तुमको प्यारी थी, समझो मिट्टी में सुला दिया। मत समझो हमने बुला दिया, मत समझो हमने बुला दिया। अली खान की वालिदा अपने लख्त जिगर के बिछड़ जाने से नुहकना है। दहशतगर्दी के इस अलमनाक सानहे के बाद माओ के आंसू कैसे थमे। कितनी माओ की तरह अली खान की वालिदा को भी मुकद्दर में आंसू मिले। लफ्जों में छुपे दर्द को साहिब औलाद और हसास लोग ही महसूस कर सकते हैं। बेहिस लोगों से कलाम क्या। उसका हर वक्त मम्मा मम्मा के बहुत छोटी बात पे भी 10 मरतबा मम्मा मम्मा। उसको बिरयानी पसंद थी, बहुत शौक से खाता था, शरारती था बहुत ज्यादा, अभी तक शरारती थी। उसके जाने से मेरे घर में खामोशी हो गई है। उसका शोर, उसका बहनों को तंग करना, शरारतें करना, मेरा घर भी खामोश हो गया और मेरी गोद भी खाली हो गई और मेरा दिल भी बस खाली हो गया। क्या बताऊं अली के बारे में, अली के साथ मेरी दुनिया थी और अली के साथ मेरी दुनिया। मैं ये सोचती हूँ अली के बगैर कैसे रहूँगी, तो बहुत लंबी जिंदगी, मैं कैसे गुजारूंगी अली के बगैर। ये सोच के खुशी भी होती है कि अल्लाह ने इस आजमाइश के लिए मुझे चुना, मेरे बेटे को ये रुतबा दी। मैं उसके लिए दुआएं मांगती थी ओहदे की, अल्लाह ने रुतबा दिया। मैं उसके लिए दुआएं मांगती थी कि वो फख्र खानदान बने, वो फख्र पाकिस्तान बन गया। मेरी तमाम दुआएं अल्लाह ने कबूल की, लेकिन दर्जात बुलंद कर दिए उसकी, तमाम दुआएं मेरी कबूल। मैं उसकी ज़िंदगी की दुआएं मांगनी थी पागलों की तरह, अल्लाह ने उसको हमेशा की ज़िंदगी दे दी। दहशतगर्दी ने जिस तरह एक मकतब को ताराज किया, वहाँ इल्म के मासूम मतवालों का लिबास खून की सुर्खी में तब्दील करने का नाकाबिल माफी और मजमूम काम भी किया। दहशतगर्दी का मसला पाकिस्तान में कई साल से चला आ रहा है, लेकिन ये जो 16 दिसंबर को जो सानिया हुआ, उसने ना सिर्फ पेशावर पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। तारीख के चंद और आग जहाँ तक मैं पढ़ सका, तो उसमें फिरौन के दौर में कुछ वाकयात ऐसे मैंने पढ़े, और उसके बाद ये वाला वाकया जहाँ जंग होती है, बच्चों और ख़वातीन को एक साइड पे कर दिया जाता है, लेकिन एक ऐसी जंग जो कि बराह रास्त बच्चों के साथ लड़ी गई, तो उसमें हम तो चूँकि बराह रास्त इसके विक्टिम बने, तो हमें तो अफसोस था ही था, लेकिन साथ ही साथ जब हमने देखा कि पूरी दुनिया जो है वो
इन शोहदा के साथ खड़ी हो गई। और इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ भी अगर मैं कहूँ तो इसी सानिया के बाद जो है ये लोग जो है अब संजीदगी से सोचने लगे कि इस मसले का हल होना चाहिए। हमारी अस्करी क़यादत ने बड़े ज़रूरतमंदाना फ़ैसले किए। अगरचे हम उस वक्त शौक में थे, लेकिन बाद में जो हम कुल के बाद जो हम देख रहे थे कि फ़ौरी तौर पर जो है आर्मी चीफ़ ने इस पर एक्शन लिया, जो जो कुछ वो कर सकते थे उन्होंने किया। सोलह दिसंबर सन 2014 के उस अलमनाक सहने को कौन भूल सकता है कि जब नन्हे मुन्ने फूलों को बेदर्दी से मसला गया। मंगल की सुबह 10:20 पर वार्षिक रोड पर वाके आर्मी पब्लिक स्कूल में 8वीं, 9वीं और 10वीं जमात के तालिब इल्मों को ऑडिटोरियम में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही थी, जबकि एक इतला के मुताबिक 9वीं और 10वीं जमात के तुलबा की अलविदाई तकरीब जारी थी कि उस दौरान खुदकुश जैकेट्स और जदीद असलाह से लैस 7 दहशतगर्द अकबी दीवार फैलांग कर स्कूल में दाखिल हुए और फायरिंग करके सिक्योरिटी पर मामूर पाक आर्मी के जवान नदीम को शहीद कर दिया, जिसके बाद ये दहशतगर्द फायरिंग करते हुए ऑडिटोरियम में दाखिल हो गया, जहां उन्होंने तालिब इल्मों को यरगमाल बनाकर उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। स्कूल से धमाकों की आवाजें भी सुनाई देती रहीं। जां बहक और शहीद होने वाले बच्चों की उम्रें 9 से 16 साल के दरमियान थी। मासूम से तालिबे इल्म अली खान शहीद के वालिद हैं। वो अली खान जिसके बारे में कुछ बताने के लिए हमारे पास शायद लफ्ज ना हो। आर्मी पब्लिक स्कूल पिशावर का ये होनहार तालिबे इल्म अब हमारे दरमियान नहीं, मगर इनकी तमाम यादें हमारे अतराफ छोटी छोटी चीजों की सूरत में मौजूद हैं। मोहम्मद अली ख़ान मेरा इकलौता बेटा था। आर्मी पब्लिक स्कूल में क्लास 9D का तालिब इल्म था। 16 दिसंबर को ये वाक़या पेश आया कि हमने इसको स्कूल भेजा और हमें उसके बदले में उसकी डेड बॉडी मिली। मैं अपने बेटे के इस स्वेटर को देखता हूँ, ये ग्रीन हरे स्वेटर को, इसके कोट को, यह हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक का कदर भी सब्ज़ है, हमारे इस परचम का रंग भी सब्ज़ है और हमारे स्कूल के यूनिफॉर्म का, आर्मी पब्लिक स्कूल के यूनिफॉर्म का कदर भी सब्ज़ है। मैं अपने बेटे को हमेशा याद रखूंगा और वो मुझे हमेशा याद आता रहेगा, क्योंकि ये मेरा वाहिद एक ही इकलौता बेटा था। जो सानिया गुजरा है, जो गुजरा है, खुदा किसी दुश्मन को ये वाकया न दिखाए। हमारी सूबाई गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द हमारे दुश्मन हमारे सामने ले आए जाएं। इसके अलावा जी वो बास्केटबॉल स्कूल के बास्केटबॉल टीम में भी था। ये आप उनका ये मेडल देख सकते हैं, इन्होंने ये मेडल जो है ये बास्केटबॉल फाइनल जीत के ये हासिल किया था। ये सर्टिफिकेट, ये ग्रेजुएशन, यहाँ आर्मी पब्लिक में 5th को ग्रेजुएशन कहते हैं। क्लास 2 और क्लास 3 में मोहम्मद अली ख़ान ने अपनी क्लास को टॉप किया था, वो पोजीशन होल्डर था, और ग्रेजुएशन के उसमें उसने 2nd पोजीशन हासिल की थी। एक लाश को देखती रही, एक एक लाश पे दौड़ती रही और आखिर मुझे मिल गया। आरी की
मैंने खुद देखा टीवी पे, मेरे सामने ही ब्रेकिंग न्यूज आई और मुझे समझ आ गई कि डिफेंस की साइड पे जो हमला हुआ ये अली का स्कूल है। मैंने बेटी को कहा जल्दी से अपने बाबा को फ़ोन करो कि अली को लेके आए। फिर मैंने गाड़ी वाले को फ़ोन किया, वैन वाले को कहा इरफान जल्दी से जाओ और अली को लेके आओ, फायरिंग हो रही है। बाबा कहते हैं उस कॉलेज पर वो के तुम्हारी माँ पागल है, हर वक्त अली अली करती है, ऐसी कोई बात नहीं। उसने कह नहीं मामा की खातिर आप जाएँ और लेके आए। बाबा उसी वक्त गए, मैंने जल्दी से उसके दोस्तों के नंबर पर ट्राई करना शुरू किया, कोई नहीं मिल रहा था। सब यही कह रहे थे दुआ करो पता नहीं चल रहा, दुआ करो पता नहीं चल रहा। और मैं दुआ करती करती और जब मिला तो बस मैंने खुद अस्पताल में ढूंढा अपने बच्चे को, एक एक लाश को देखती रही, एक एक लाश पे दौड़ती रही दौड़ती, और आखिर में मुझे मिल गया। अली खान शहीद के घराने का एक एक फर्द आज अपना कसूर पूछता है, और उन नन्हे मासूम फरिश्तों का भी जिनको बर्बरियत का निशाना बनाते हुए उन जालिमों ने एक लम्हा भी नहीं सोचा कि वो बच्चों के साथ साथ उनके प्यारों के दिलों में भी नश्तर चुभ हो रहे हैं। दोनों इकट्ठे पले बने हैं और रोज़ हम दोनों एक साथ खेलते थे। अब उन जालिमों ने मुझसे मेरा दोस्त छीन लिया है, मेरा भाई छीन लिया है, अब मैं किसके साथ खेलूँगा? अब मेरा किसी और दोस्त बनाने का जी नहीं कर रहा, मेरा पढ़ने का जी नहीं कर रहा, मैं क्या करूँगा? जब मेरे साथ मिलता था तो वो मुझे कहता था कि पार्टी करते हैं, इधर जाते हैं चक्कर के लिए, कुछ खाते हैं आज, बस मैं भी उसके साथ चला जाता था, मैं छोटी भाई की जैसा की तरह था। पता भी होना चाहिए, हुकूमत को भी ज़रा लगाना चाहिए कि ये कौन करते हैं जिनके दिल ही नहीं अंदर से, कि ये लोग माओ के दिल इतने वो इन्होंने वो कर दिए हैं। एक एक माँ जो होती है वो हमारी, पहले ले लो अली को, 15 साल इसने एक एक दिन करके इसको पाला है, एक एक दिन करके इसको 5 साल की उम्र में स्कूल में दाखिल किया, इन्होंने 3 मिनट ही नहीं लगाए, और ये वार करना गोली पे किसी बच्चे, ये आपको पता है उस माँ का दिल कितना धड़कता होगा, बहनों का तो, माओं का, दादियों का, तो ये किस तरह ये वार करते हैं और कहाँ से ये आते हैं, किस रास्ते से आते हैं, कोई भी इनको नहीं देखता। वर्सक रोड पिशावर से मरदान जाते हुए रस्ते में कई बार हमने सोचा कि जिंदगी हर हाल में रवां दवां रहती है और रहनी भी चाहिए, मौत एक अटल हकीकत है, मगर किसी को मौत से पहले मौत से हमकिनार करने का कोई हक नहीं। टोडलर्स एकेडमी के जो वो हैं वो 5th तक है, टोडलर्स एकेडमी वो प्ले ग्रुप से क्लास 5th तक है, उनके बच्चों को आर्मी वालों ने सेफ कर लिया था और उनको जमा कर रहे थे, इसके एडजेसेंट डिफेंस पार्क है उसमें जमा कर रहे थे, और वालिदैन इनको अपने अपने घर ले जा रहे थे। मैंने पूछे कि हाई सेक्शन जो इनका बॉयज कॉलेज है, तो उन्होंने कहा कि इनकी पोजीशन बहुत ख़राब है, ऑडिटोरियम पर हमला हुआ है और ये ऑडिटोरियम में बैठे हुए थे। मीनवाइल में मेरा भाई का फ़ोन आया, मैं चले गई CMH और मैं अपने बेटे को ढूंढता रहा, मरीज़ों में भी, ज़ख्मियों में भी, मुख्तलिफ वार्डों में मैं गया, फिर मैंने वो डेड बॉडीज़ देखी जहाँ पर ये डेड बॉडीज़ पड़ी हुई थी, उसमें मेरे मुझे अपने बेटे की डेड बॉडी नहीं मिली। ये तकरीबन कोई 3 बजे का वक्त होगा, 3 बजे तक, और मैं 12 बजे से 3 बजे तक CMH में अपने बेटे के पीछे फिरता रहा। 3:30 बजे मुझे मेरे बड़े भाई हैं, उसने फ़ोन किया कि हम LRH में हैं और अली की डेड बॉडी जो है वो LRH में पड़ी हुई है। मैं आपको बता नहीं सकता कि वो वक्त
मुझ पर कैसे गुजरा है एक कयामत थी, और सिर्फ मुझ पर नहीं तमाम शुहदा पर, वालिदैन पर एक कयामत गुजरी थी। एक अजीब सा समा था, मिनी करबला लग रहा था। मेरे बच्चों को किसने मारा है, इनका क्या कसूर था, ये मुझे इसका जवाब चाहिए। मैं अक्सर अपने बेटे को इन तस्वीरों में तलाश करता हूँ और इन खूबसूरत मेमोरीज में जो हमने ये एल्बम बनाई है प्यारी सी। शहीद के हवाले से उनके लवाहिकीन से गुफ्तगु करते हुए हर बार एक ख्याल आया कि दहशतगर्दी का जो बाजार यहाँ गर्म है और वक्तन फवक्तन इन लहरों में जो शिद्दत आती है, इनको खत्म करने के लिए वो मिट्टी या पानी कहाँ से दस्तियाब होगा, कब अमन के पयाम्बर अपना वादा पूरा करेंगे और अपने जुमलों की लाज रखेंगे कि हम दहशतगर्दी खत्म करने के लिए हम वक्त कमर बस्ता है। मन तो मुरादों से जो बेटा पैदा होता है इतना बड़ा होता है, कैसे बड़ा होता है, माँ बाप क्या करते हैं उसके, और वो 15 साल का बच्चा 15 सेकंड में इन्होंने ले लिया, कैसे दर्द को समझेंगे हमारे, नहीं समझ सकते ये लोग। जब मेरे बच्चे का जनाजा उठ रहा था तो मैंने उसको सलूट किया क्योंकि वो आर्मी का बच्चा था और उसको मैं आर्मी में ही भेजना चाह रही थी, और वो शहादत अगर उसके नसीब में थी तो बाद में भी होती, इन बच्चों ने पहले ले ली, बहुत पहले ले ली, इनको जल्दी थी। जैसे ही मेरा बच्चे का जनाजा उठा मैंने तमाम शहादा को सलूट किया क्योंकि वो सलूट के काबिल थे।